आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का क्लास नंबर 76 है। क्लास नंबर 76 आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग साइंस का एक चैप्टर से डील करेंगे, जहां से आपको जितने भी प्रकार के डाउट होगा उस चैप्टर से संबंधित सारा आपका क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ उस चैप्टर का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आपके पेपर के दिन इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं पहले एक बार देख लेते हैं। आज के इस टॉपिक के माध्यम से आपको टोटल चार जो टॉपिक है वो कवर होगा आज के क्लास के माध्यम से। पहला आपका हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, उसका गुण, प्रकाश का सिद्धांत हम लोग देखेंगे। सेकेंड में हम लोग देखेंगे परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और उससे जुड़े हुए जितने भी टर्म्स हैं, जितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया गया है। थर्ड में हम लोग देखेंगे स्फेरिकल मिरर, यानी कि गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण से संबंधित टर्म्स जो है, जैसे वक्रता केंद्र हो गया, धारक हो गया, ये सारे चीजें हम लोग देखेंगे। तो टोटल चार टॉपिक आज का इस सेशन से आपका कवर हो जाएगा। और फिर जब आप प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे, तो वहां आसानी से क्वेश्चंस को आप लगा सकते हैं। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। वो सेम केस होगा कि एग्जाम हॉल में भी आप बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाइएगा अगर आपका टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। इन चारों टॉपिक के इर्द गिर्द आज का क्लास रहेगा और आपको बहुत ही बेहतर जानकारी के साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। अगर हम लोग बात करें ये सारे चीजें जो आज के डेट में एग्जाम नैनो चैनल में चल रहा है, सारे चीजें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल है। इन सारी चीजों का आप यूज कीजिए और तैयारी को और बेहतर बनाइए। तो पहले हम लोग देखेंगे प्रकाश के बारे में। अभी तक आप जो है लाइट के बारे में कुछ ना कुछ जानते होंगे, क्लास 10th में आप पढ़े होंगे, क्लास 8 में आप पढ़े होंगे। तो हम लोग सभी जानते हैं कि प्रकाश जो है क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है। किसका रूप है? एक ऊर्जा का एक रूप है। और सबसे पहली बार प्रकाश के बारे में जो सिद्धांत दिया गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का कणिका सिद्धांत, किसके द्वारा दिया गया? न्यूटन के द्वारा दिया गया सबसे पहली बार प्रकाश का सिद्धांत, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल्स में। तो प्रकाश क्या है, अगर आपको याद रखना है एक लाइन में, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक फॉर्म है, ऊर्जा का एक रूप है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, प्रकाश किसका रूप है? ऊर्जा का एक रूप है। अगर आप देखेंगे जो भी लाइट हम लोग देख पाते हैं वो क्या होती है, उसका कुछ ना कुछ सोर्स होता है। जो भी लाइट हम लोग पास देख पाते हैं हम लोग, उस लाइट का सोर्स होता है। तो लाइट का सोर्स की अगर हम लोग बात करें तो सोर्स दो टाइप का होता है। एक होता है आपका नेचुरल सोर्स, प्राकृतिक स्रोत लाइट का, और दूसरा होता आपका एक आर्टिफिशियल स्रोत, यानी कि मानव निर्मित स्रोत लाइट के लिए। तो नेचुरल सोर्स में क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका सनलाइट। सनलाइट क्या है? सूरज का प्रकाश आपका एक प्राकृतिक स्रोत है। किसका? प्रकाश का। सूरज का प्रकाश आपका प्राकृतिक स्रोत है। सूरज का प्रकाश सनलाइट हो गया, सन हो गया आपका, स्टार हो गया, स्टार से जो लाइट आती है, ये सारे आपका नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। अगर हम लोग आर्टिफिशियल की बात करेंगे तो जो CFL बल्ब आपके घर में दिख रहा है, ट्यूबलाइट वगैरह दिख रहा है, मोबाइल से जो लाइट निकल रही है, लैपटॉप से जो लाइट निकल रही है, ये सारा आपका आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट में आ जाएगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, जैसे यहां पर कोई भी तीन टाइप के ऑब्जेक्ट हो सकती है। पहला एक टाइप का वस्तु होगा, ऑब्जेक्ट होगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, पारदर्शी माध्यम। क्या बोलेंगे? पारदर्शी, जिससे होकर लाइट क्या हो जाएगा, आर पार हो जाएगा, जो कि आपका डायग्राम नंबर 1 में आपको दिख रहा है। एक दूसरा होगा जो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, लाइट जैसे उस पर पड़ेगी लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, जैसे कपड़ा हो गया, फिर आपका जो लकड़ी का बॉक्स हो गया, ये सारे चीजें लाइट को एब्जॉर्ब करती है। और तीसरा एक आएगा जो चिकना रहेगा, क्या रहेगा, उसका जो पृष्ठ रहेगा, सरफेस रहेगा, वो पूरा का पूरा पॉलिश क्या हो रहेगा, तो वहां पर जैसे ही लाइट आएगा तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये तीन चीजें हो सकती है लाइट के साथ, किसी भी वस्तु पर एक लाइट पड़ेगी तो या तो वो उस वस्तु का आर पार हो जाएगा, अगर उस वस्तु का आर पार हो जाता है लाइट तो उसे हम लोग बोलेंगे पारदर्शी माध्यम, अगर वो नहीं होता है तो उसे हम लोग अपारदर्शी माध्यम कहते हैं, और एक होता है चिकना पृष्ठ, जिसे हम लोग जहां से क्या होता है लाइट परावर्तित होती है। यह आपको क्लियर हो गया। तो तीन टाइप का हो गया, एक पारदर्शी माध्यम, एक अपारदर्शी माध्यम, और ये आपका जहां से रिफ्लेक्शन होता है, जिसे हम लोग पारभासी के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रकाश का सिद्धांत के बारे में समझते हैं। तो प्रकाश के बारे में, प्रकाश के सिद्धांत की अगर हम लोग बात करें तो दो सिद्धांत बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, और एक एक करके बात करेंगे, थोड़ा
पेन का कलर चेंज कर देते हैं। तो प्रकाश का सिद्धांत में दो सिद्धांत जो है बहुत ही फेमस है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश का ये वाला सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया, प्रकाश की ये वाला सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया। तो प्रकाश का सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत जो दिया गया था वो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? न्यूटन साहब के द्वारा दिया गया था 1675 में। कब दिया गया था? डेट भी आप याद रखिएगा जीके के पर्पज से, कि न्यूटन के द्वारा प्रकाश का जो पहला सिद्धांत है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का कण सिद्धांत, पार्टिकल थ्योरी। तो प्रकाश का पहला सिद्धांत क्या होगा? प्रकाश का कण सिद्धांत, जिसे हम लोग प्रकाश का पार्टिकल थ्योरी के नाम से जानते हैं, ये न्यूटन के द्वारा दिया गया 1675। और न्यूटन साहब के अकॉर्डिंग, जिसे हम लोग न्यूटन का कणिका सिद्धांत या न्यूटन का कण सिद्धांत के नाम से जानते हैं, उसमें ये सामने आया कि प्रकाश किस प्रकार से मूव करता है, पार्टिकल के जैसा मूव करता है। प्रकाश किसके जैसा मूव करता है? पार्टिकल यानी कण जैसे मूव करता है, उस टाइप से प्रकाश का गमन होता है। ये एक पहला सिद्धांत है। और इस सिद्धांत के, इस सिद्धांत को देने के बाद तीन चार चीज फेनोमेना को जो है साइंस में क्या बोलते हैं उसको डिस्कस नहीं कर पाया गया, यानी प्रकाश का कण सिद्धांत कुछ ऐसे नियमों को व्याख्या नहीं कर पाया, जिसके कारण ये इसके बाद और एक नया सिद्धांत आया जिसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। तो दो सिद्धांत है प्रकाश का, एक पहला है आपका प्रकाश का कण सिद्धांत और दूसरा है आपका प्रकाश का तरंग सिद्धांत। कण सिद्धांत न्यूटन के द्वारा दिया गया, और कण सिद्धांत के अकॉर्डिंग प्रकाश जो है वो कण के जैसा विचरण करती है, और इसमें बताया गया है कि प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करता है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे नियम थे, कुछ ऐसा फिनोमेना है जो कि प्रकाश का कण सिद्धांत डेफिनेशन देने में विफल है, यानी प्रकाश का कण सिद्धांत से उन सारे नियमों की व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो उसके बाद तरंग सिद्धांत का डेवलपमेंट हुआ, और तरंग सिद्धांत जो है जिसे हम लोग वेब थ्योरी ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया? यह हाइगेंस के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? हाइगेंस के द्वारा ये थ्योरी दिया गया, और ये दिया गया था आपका 1678 में। तो इस सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत क्या कहता है कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में चलता है, किसके? वेव के फॉर्म में प्रकाश चलती है, जैसे एक तरंग गमन करता है उसी प्रकार से प्रकाश का भी गमन होता है। यह हाइजेंस के द्वारा दिया गया जिसे हम लोग प्रकाश का तरंग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये मानने लगा कि फिर दोनों बड़े बड़े साइंटिस्ट जब ये दोनों सिद्धांत दे दिए, दोनों थ्योरी दे दिए, तो सबको ये मानने लगा कि प्रकाश में दोनों गुण पाया जाता है, वेव स्ट्रक्चर यानी वेव प्रॉपर्टीज भी पाया जाता है, और पार्टिकल यानी कि कण सिद्धांत यानी कि कण का गुण भी पाया जाता है। तो प्रकाश में ये दोनों गुण पाया जाता है तब तक ये मान लिया गया था, बट इसके 100 साल बाद, लगभग 100 साल बाद एक नया साइंटिस्ट आए जिसे हम लोग किनके नाम से जानते हैं, मैक्सवेल। कौन आए? मैक्सवेल। और मैक्सवेल ये बताए कि प्रकाश जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में जो है गमन करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। उसके बाद ये जो है आज के डेट में सर्वमान्य है, और जितने भी थ्योरी है सारे थ्योरी की व्याख्या इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्योरी के साथ मैच हो जाती है, जिसके कारण हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रकाश जो है किस प्रकार से संचरित होता है, प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। इसको हम लोग हिंदी में भी लिख देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग। तो यहां से यह साबित हो गया प्रकाश किस प्रकार से संचरित होती है, प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। किसके रूप में? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में क्या होती है? संचरित होती है। यह यहां पर क्लियर हो गया। तो प्रकाश का सिद्धांत आपको समझ में आ गया, पहले न्यूटन ने दिए प्रकाश का कणिका सिद्धांत, फिर प्रकाश का तरंग सिद्धांत आया, वेव थ्योरी आया, और फिर हम लोग क्या जाने कि प्रकाश जो है प्रकाश में कण का भी गुण पाया जाता है, यानी वेव का भी गुण पाया जाता है और पार्टिकल का भी गुण पाया जाता है, दोनों ही गुण पाए जाते हैं, डायग्राम आपको दिख रहा है। फिर मैक्सवेल ने क्या बताया कि प्रकाश जो है किस प्रकार से संचरित करती है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित करता है, ये आपका मैक्सवेल के द्वारा दिया गया ये सिद्धांत। तो मैक्सवेल का प्रकाश सिद्धांत भी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सेशन में, और सेशन का पहला क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी कोई लाइट आएगा, इसको हम लोग थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं क्योंकि इसके बाद भी और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर इसी नियम के साथ आप दे सकते हैं। जैसा आपकी दिख रहा है ये एक मिरर है, क्या एक दर्पण है, तो जैसे इस पर एक लाइट पड़ेगी जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण। क्या नाम देंगे इसको? आपतित किरण कहेंगे इसको हम लोग, इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण।
ये जो आपका आपतित किरण है ये आपका लाइट ऑफ सोर्स यानी जहां से प्रकाश का स्रोत होगा वहां से ये आ रहा होगा, और जैसे ही ये कई चिकनी यानी कि पॉलिश किया हुआ सरफेस, इसे हम लोग चिकने पृष्ठ के नाम से जानते हैं, पॉलिश सरफेस पर, पॉलिश किया हुआ सरफेस पर ये लाइट पड़ेगी तो ये लाइट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड उसी माध्यम में फिर से वापस चला जाएगा यानी परावर्तन हो जाएगा उस लाइट को, और उस किरण को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। तो पहला जो लाइट सोर्स से जो किरण आया उसे हम लोग आपतित किरण का नाम देते हैं, फिर जैसे ही वो पॉलिश सरफेस से टकराया वो वापस चला जाएगा उसी मीडियम में तो उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। और यहां पर एक पॉइंट हम लोग पी दिए, पी को हम लोग कहते हैं अभिलंब बिंदु, और इसी से हम लोग एक 90 डिग्री खींचेंगे जिसे हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। क्या बोलेंगे? नॉर्मल। और इसे क्या अभिलंब, हिंदी में क्या कहेंगे? इसे अभिलंब कहेंगे। तो यहां पर आपको तीन चीजें दिखा, एक आपतित किरण, दूसरा आपका अभिलंब और तीसरा आपका परावर्तित किरण, और ये तीनों आपको पहले से भी पता है और अभी आपको समझ में भी आ गया कि आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है। और ये जो पॉइंट पी है इसे हम लोग आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? इसे आपतन बिंदु, इसे हम लोग आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। तो आप यहां देखेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा जिसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, और इसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं। दूसरा है आपका परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में एक एंगल बन रहा है जिसे हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण, और इसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो परावर्तन के जो नियम है, दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम। पहला नियम क्या कहता है परावर्तन का, कि ये जो आपको इंसिडेंट रे है यानी कि जो आपतित किरण है, दूसरा इधर आपको दिख रहा परावर्तित किरण, तीसरा ये जो आपका आपतन बिंदु है और ये जो आपका अभिलंब दिख रहा, सभी क्या है? एक ही प्लेन यानी एक ही समतल में होता है। ये आपका पहला नियम कहता है, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट लॉ, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड क्या कहता है? कि ये जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है जिसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं उसे? आपतन कोण। और यहां पर आपका अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच एक कोण बन रहा है जिसे हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तन कोण। तो ये जो दो कोण बन रही है ये दोनों कण जो होगा बराबर होगा, दोनों एंगल क्या होगा? बराबर होगा। यानी हम लोग सेकंड नियम में हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। फर्स्ट में क्या? कि ये सारे चीजें एक ही प्लेन में होगा, एक ही समतल में होगा। और दूसरा क्या? कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ये आपका परावर्तन का द्वितीय नियम है। तो इस हिसाब से हम लोग अब आंसर कर सकते हैं कि परावर्तन के कितने नियम है। तो अभी आप देखिए कि परावर्तन का टोटल कितने नियम हो गया? परावर्तन का दो नियम हो गया। कितना? दो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया सारा चीज है। यहां तक कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप डाउट भेज सकते हैं, उसका आपका सॉल्यूशन बताया जाएगा। सेकंड, ये क्वेश्चन का आंसर अब आप आसानी से कर सकते हैं। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर कॉन्सेप्ट समझने से क्या बेनिफिट होता है। यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होगा? आपतन कोण इज ग्रेटर देन परावर्तन कोण, आपतन कोण इज लेस देन परावर्तन कोण, थर्ड ऑप्शन है कि आपतन कोण माइनस परावर्तन कोण। अभी अभी हम लोग देखे क्या प्रकाश के परावर्तन के नियम के अकॉर्डिंग, कि कोई भी इंसिडेंट रे आएगा या टकराएगा, और यहाँ पर एक क्या आपतन बिंदु है, यहाँ पर हम लोग क्या खींचेंगे? एक अभिलंब खींचेंगे। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण होगा उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं, और ये जो अभिलंब और परावर्तित किरण है उसके बीच में एक कोण बनेगा जिसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। और दोनों जो होती है प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार दोनों बराबर होती है आपस में। तो ऑप्शन नंबर चार इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया पूरा का पूरा। जैसे मान लेते ये कोई प्लेन है जहां से कोई एक रे आया टकराया और क्या वापस हो उसी मीडियम में वापस गया, तो यहां पर किसका फॉर्मेशन हुआ? आपतन कोण का फॉर्मेशन हुआ। कैसे होगा? जैसे ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ये आपका रिफ्रेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण, ये आपका आपतन बिंदु और ये आपका अभिलंब जो बीच में दिख रहा है, इसके बीच में जो कोण बनेगा उसे हम लोग आपतन कोण कहेंगे, और उसका वैल्यू आपको दिया गया है 60 डिग्री। आपको मान बताना है परावर्तन कोण जो कि आर है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बन रहा है। तो अभी अभी हम लोग देखे नियम के अनुसार क्या है, एंगल आई इक्वल टू क्या होगा? एंगल आर होगा। तो एंगल आई जब 60 डिग्री दिया हुआ तो आर भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ एग्जाम नैनो चैनल को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को, और वहां से आप फ्री क्लास नोट्स और क्लास कोर्सेस को अटेंड कर सकते हो।
अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि परावर्तन के नियम लागू होते हैं, यहाँ आपको चार ऑप्शन दिख रहा है कि केवल समतल दर्पण पर लागू होता है, कि अवतल दर्पण पर लागू होता है, कि उत्तल दर्पण, कि सभी परावर्तक पृष्ठों पर लागू होता है। थोड़ा सा हम लोग दर्पण के बारे में भी बात कर लेंगे। आपके घर में जो दर्पण लगा हुआ है जिससे आप डेली अपना चेहरा देखते हैं, वो है आपका समतल दर्पण। क्या है? समतल दर्पण। और दूसरा आपको यहाँ दो दर्पण दिख रहा है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो होती है, ये जिसे हम लोग गोलीय दर्पण के नाम से जानते हैं, यानी जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण आपका दो प्रकार का होता है, एक अवतल और एक उत्तल। यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहा है एक कन्वेक्स मिरर और दूसरा आपका कनकेव मिरर। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। तो जो कन्वेक्स मिरर होता है इसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। कन्वेक्स मिरर को हिंदी में कहा जाता है उत्तल दर्पण। दोनों को हम बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोगों को समझा देंगे, तो बार बार जो कन्फ्यूजन होता है वो कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। और कनकेव को कहते हैं अवतल दर्पण। तो जो गोलीय दर्पण होती है, ये कोई भी कांच का जो टुकड़ा होता है, या कह सकते हैं कोई खोखला गोला का एक भाग होता है। जैसे यहाँ पर आपका एक कांच का टुकड़ा है। अब इस कांच के टुकड़े का अगर हम लोग बाहर अंदर वाला पार्ट, क्या कि हम लोग अंदर वाला पार्ट को रंग दिए, कोई कांच का टुकड़ा है आपके पास और उसका अंदर वाला पार्ट को हम लोग रंग दिए, तो बाहर वाला पार्ट से क्या होगा, बाहर वाला पार्ट से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। तो इस टाइप से जो दर्पण का निर्माण होगा, जिसमें हम लोग किसी कांच के टुकड़े के अंदर वाला पार्ट को हम लोग रंग देंगे, तो जो दर्पण बनेगा उसे हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। और जब इसी, ये जो आपका खोखला गोला है, इसका हम लोग बाहर वाला पार्ट को रंगेंगे, किसको? बाहर वाला पार्ट को रंग देंगे, तो जो दर्पण बनेगा उसे हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण। तो दर्पण दो प्रकार का, यानी कि कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का, एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। आप सिंपल समझ सकते हैं कि आपके पास जो चम्मच होता है, चम्मच है, तो चम्मच में, चम्मच को अगर आप देखेंगे, तो उस चम्मच का अगर आप अंदर वाला पार्ट को रंगेंगे, क्या करेंगे? अंदर वाला पार्ट को रंगेंगे, तो बाहर वाला पार्ट जो कि आपका उभरा हुआ है, वहां से क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन होगा, तो उसे हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे? उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। और अवतल के केस में क्या करेंगे? चम्मच का बाहर वाला पार्ट को रंगेंगे और प्रकाश का परावर्तन अंदर जो उभरा हुआ है, यानी जो कोई थोड़ा सा धसा हुआ है, धसा हुआ पार्ट से प्रकाश का परावर्तन होगा, तो उसे हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण। अगर हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में लाइट किस प्रकार से आता है और कैसे उसका परावर्तन होता है, इस इमेज के माध्यम से आपको समझ में आएगा। जो कनकेव मिरर है, यानी कनकेव बोले तो आपका अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में जब कोई भी लाइट रे इधर से आएगा, यहाँ पर एक बिंदु पर फोकस पर मिलेगा, यानी सारा लाइट क्या होते हुए दिख रहा है? कन्वर्ज, किसी एक जगह पर कन्वर्ज हो जा रही है। क्या हो रहा है? एक जगह पर कन्वर्ज हो जा रही है, इसलिए इसका दूसरा नाम है अभिसारी लेंस, अभिसारी दर्पण, क्योंकि इनका जो लाइट है वो कन्वर्ज हो रही है एक जगह पर। अगर हम लोग उत्तल दर्पण की बात करेंगे, तो उत्तल दर्पण में यहाँ पर लाइट आया, फिर इधर से परावर्तित हो गया, तो यहाँ पर जो लाइट को हम लोग मिलाएंगे फोकस पर, तो ऐसा प्रतीत होगा कि जो लाइट है वो डाइवर्ज हो रहा है। क्या हो रहा? हर जगह पर डाइवर्ज हो रहा, इसलिए इसको हम लोग अपसारी लेंस कहते, अपसारी दर्पण कहते हैं। लेंस के केस में भी यही होगा, इसलिए बार बार लेंस आ जा रहा। तो अवतल दर्पण आपका अभिसारी दर्पण होगा और उत्तल दर्पण आपका अपसारी दर्पण होगा। या क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि परावर्तन के नियम कहाँ पर लागू होगा। तो परावर्तन का नियम जो है आपका सभी परावर्तक पृष्ठ पर लागू होगा, जितने भी टाइप का रिफ्लेक्टेड सरफेस है, सभी जगह पर आपका परावर्तन के नियम लागू होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग फोकस, वक्रता केंद्र, इन सारे चीज़ों को समझेंगे वन बाय वन, क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग कर रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट को समझने के प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण में हम लोग जानते हैं कि जो प्रतिबिंब बनती है उसकी कुछ खास विशेषताएं होता है, इसके बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट वाला क्लास में डिटेल्स में देखेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन को डील कर लेते हैं क्योंकि क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो हमेशा ही काल्पनिक होता है। एक दो प्रॉपर्टीज हम बता दें कि समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है। पहला कि वो काल्पनिक होता है, दूसरा कि वो वस्तु जिस आकार का होगा प्रतिबिंब भी सेम आकार का ही बनेगा, यानी प्रतिबिंब के साइज में कोई चेंज नहीं आएगा, वस्तु के साइज के बराबर ही प्रतिबिंब की साइज होगा। दूसरा कि प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनेगा जितना दूरी पर वस्तु रखा हुआ है। मान लेते हैं यहाँ पर मिरर है आपका, वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, तो प्रतिबिंब भी उस दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा। तो यहाँ आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है न्यूमेरिकल का
किस टाइप का फॉर्मेशन किया गया। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर आपका इमेज का फॉर्मेशन हुआ, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का दूरी कितना होगा, तो दूरी कितना हो जाएगा आपका 10+10 20 हो जाएगा। तो आप लोग, तो हम लोग ऐसा मानते हैं 2u, क्या कहेंगे इसका फॉर्मूला, 2u यानी प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी को हम लोग यू कहते हैं, और भी किसे कहते हैं, सॉरी वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं यू, यू क्या है आपका वस्तु एंड दर्पण के बीच की दूरी है, ठीक है। और भी क्या होता है आपका दर्पण एंड प्रतिबिंब के बीच की दूरी है, दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी है ये, तो ये 2u से हम लोग डिनोट करते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा रहा है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा किस प्रकार का होता है। तभी अभी हम लोग देखे कि प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, तो वास्तविक वाला आप आसानी से यहाँ छाट सकते हैं, इलिमिनेट कर सकते हैं। और हम लोग क्या देखते हैं कि जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब आप अपना चेहरा देखते हैं, तो आपका चेहरा उल्टा दिखता है कि सीधा दिखता है, चेहरा तो आपका सीधा ही दिखता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनती है वह काल्पनिक यानी कि आभासी और सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है। अभी अभी हम लोग डिस्कस किए कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो वस्तु के बराबर होगा, तो किस प्रकार का दर्पण होगा, वो समतल दर्पण होगा। ऐसा प्रतिबिंब जिसका आकार वस्तु के आकार के अगर बराबर बन रहा है, तो जो दर्पण में ये बन रहा है उसे हम लोग समतल दर्पण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। जैसे अभी हम लोग डिस्कस किया, आप यहां खड़ा रहेंगे, यहां पर दर्पण रहेगा, तो आपका प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनेगा जितने दूरी पर आप दर्पण और आपके बीच दूरी है। अगर 10 है तो प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगी। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो भी बनेगा वो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। अभी हम लोग 10 सेंटीमीटर पर बात किए थे, 100 सेंटीमीटर लिख दिया गया है, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट है कि गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है अंदर की ओर वक्रित है, तो उसे हम लोग कौन सा दर्पण के नाम से जानते हैं। अभी हम लोग डिस्कस किए कि एक गोलीय दर्पण है, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका अंदर वाला पार्ट को हम लोग कलर कर सकते हैं या हम लोग उसका बाहर वाला पार्ट को कलर कर सकते हैं। अगर हम लोग अंदर वाला पार्ट को कलर करेंगे तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन होगा बाहर से होगा, अगर हम लोग बाहर वाला पार्ट को कलर करेंगे तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन होगा वो अंदर से होगा। यहाँ पूछा जा रहा है कि जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर, यानी किसका परावर्तक पृष्ठ किससे हो रहा, अंदर की ओर हो रहा, किससे हो रहा, अंदर से हो रहा, तो वो कौन सा दर्पण होगा। चार ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो वो कौन सा दर्पण होगा, वो आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। और यहां अंदर से हो रहा तो अवतल, ठीक, अंदर से हो रहा तो अवतल, बाहर से होगा तो वो उत्तल होगा। फिर ये जो आपका गोलीय दर्पण है, इस गोलीय दर्पण का मुख्य मध्य बिंदु यानी ज्यामितीय केंद्र, ज्योमेट्रिकल सेंटर को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो गोलीय दर्पण का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है उसे हम लोग ध्रुव के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गोलीय दर्पण का ज्योमेट्रिकल सेंटर यानी मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव के नाम से जानते हैं, यानी पोल। क्या हो गया, पोल। इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करेंगे। किस चीज से डिनोट करेंगे आप, या इसे हम लोग पी से डिनोट करेंगे। यहाँ पर सारा पॉइंट का एक बार हम लोग लिख देते हैं कि गोलीय दर्पण में क्या क्या होता है। जैसे यहाँ पर आपका एक दर्पण हम लोग ले लिए, पेन कहाँ चला गया, जस्ट अ मिनट, ठीक, एक मिनट रुकिएगा, पेन काम नहीं कर रहा, इसको हम लोग मिटा देते हैं। जैसे ये आपका एक क्या है, ये आपका पूरा का पूरा खोखला गोला है। हम लोग क्या किए, इसका दोनों केस में हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग अवतल दर्पण का बात कर लेते हैं, जिसमें हम लोग बाहर वाला पार्ट को क्या कर दिए, रंग दिए हैं, बाहर वाला पार्ट को रंग दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर एक सेंटर है, क्या पर, यहाँ पर एक सेंटर, इसे हम लोग सी से डिनोट करेंगे। किससे, सी से। तो ये जो सी है आपका, ये सी क्या है आपका, वक्रता केंद्र। क्या आपका, सी, सी आपका वक्रता केंद्र। यानी कोई भी दर्पण जिस गोलीय दर्पण का भाग होता है उसका जो केंद्र होता है उसे ही उस दर्पण का हम लोग वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं।
और ये जो दर्पण है, इस दर्पण का जो बीच वाला पार्ट, जो ज्योमेट्रिकल पार्ट, जो मध्य बिंदु है, इसे हम लोग ध्रुव कहते हैं, जिसे हम लोग पी से डिनोट करेंगे। और पी और सी के बीच में एक लाइन जाएगा, एक लाइन गुजर रहा होगा, पी और सी के बीच एक लाइन गुजर रहा होगा, पी और सी के बीच, इसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। और ये होता है वक्रता त्रिज्या। ये क्या होता है आपका? वक्रता त्रिज्या हो गया, ये आपका हो गया वक्रता त्रिज्या। ठीक है, यहां पर आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, ये जो आपका लाइन जा रही है, ये वाला जो लाइन है, इसे हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं इसे हम लोग? इसे हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं, इसे हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। और दर्पण का जो मोटाई है, उसे हम लोग धारक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? धारक के नाम से जानते हैं दर्पण की मोटाई को। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि गोलीय दर्पण का जो जियोमेट्रिकल सेंटर है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग ध्रुव के नाम से जानते हैं। ये आपका क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन से और आपको चीजें क्लियर होती जाएगी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाले रेखा को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो हम लोग अभी अभी देखें, यहाँ पर जो आपका ध्रुव है, ये आपका ध्रुव पी और ये आपका वक्रता केंद्र है, ये दोनों, ये लाइन को जो मिला रहा है, इस लाइन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाले रेखा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। क्या हो जाएगा? ये आपका मुख्य अक्ष हो जाएगा। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसका जो केंद्र होता है, उसे हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं। अभी हम लोग बात किए, यहाँ पर सी से डिनोट करते हैं, यहाँ पर दिखा देते हैं फिर से आपको। ये जो है आपका सी, ये आपका वक्रता केंद्र हो जाएगा, क्योंकि ये जो अवतल दर्पण है, जिस गोलीय दर्पण का भाग है, उसका जो केंद्र होगा वो सेम इसके लिए भी रहेगा, तो उसके इसमें उसका नाम बोलेंगे हम लोग क्या? वक्रता केंद्र कहेंगे उसको हम लोग। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को हम लोग दर्पण का वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। फिर आपका पूछा जा रहा है कि गोलीय दर्पण में जो ध्रुव पी और जो सी सेंटर यानी वक्रता केंद्र है, उसके बीच की दूरी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसके बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आर से। यहाँ पी हो गया और ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, दोनों के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं और इसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछा जा रहा है कि गोलीय दर्पण में ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सरल रेखा को किस नाम से जाना जाता है? इसको हम लोग पहले भी डिस्कस की, इसे हम लोग मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी का जो मध्य बिंदु है, इसे रिपीट हो रहा है क्या क्वेश्चन? यहाँ पूछा जा रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी का जो मध्य बिंदु है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? ठीक है, उसे हम लोग फोकस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फोकस के नाम से। नेक्स्ट है, किस गोलीय दर्पण का फोकस आभासी होता है? फोकस वाला एक बार क्लियर कर देते हैं। जैसे यहां पर आपका कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, यहाँ कोई अवतल दर्पण है, जिसका बाहरी वाला पार्ट हम लोग क्या है, कलर कर दिए, तो अंदर वाला पार्ट से क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन होगा। यहां से जो गुजरा उसे हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। बीच में ये जो पॉइंट है, इसे हम लोग पी कहेंगे। यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र है सी। अब ये जो लाइट यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर लाइट क्या परावर्तित हुआ, क्या लाइट परावर्तित हुआ इस टाइप से, और इधर से भी लाइट परावर्तित हुआ, तो बीच में यहाँ पर एक जगह कटेगी मुख्य अक्ष के पास, तो उसे हम लोग फोकस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? फोकस के नाम से। अब ये फोकस वास्तविक भी होता है और ये फोकस आभासी भी होता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि किस गोलीय दर्पण का फोकस जो है वो आभासी होगा? तो आपका जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का जो फोकस होगा वो आभासी होगा। हम लोग यहाँ उत्तल दर्पण के केस भी बना देते हैं। उत्तल दर्पण के केस में, जैसे उत्तल दर्पण के केस में क्या होगा, उसका अंदर वाला पार्ट क्या होगा, कलर क्या हुआ रहेगा, तो लाइट यहाँ से आया इधर चला गया, लाइट इधर से आया इधर चला गया, इधर चला गया, फिर हम लोग यहाँ बीच में मैच करते हैं, उसके पीछे पर्दे में मैच करते हैं, तो उसका जो फोकस बना वो क्या बना? वो आभासी बना, काल्पनिक बना। बट अवतल दर्पण के केस में फोकस क्या बना था आपका? वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। बट उत्तल दर्पण के केस में जो आपका फोकस बनेगा वो आपका आभासी बनेगा। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एफ क्या है? तो गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एफ जो है, वो जो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी के नाम से जानते हैं, यानी फोकल लेंथ। यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो आपका ध्रुव है और ये जो आपका फोकस है, दोनों के जो बीच का दूरी है, उसे हम लोग फोकस दूरी के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग स्मॉल लेटर में एफ से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है?
अगर आप लोग डायग्राम को फिर से देखेंगे, जैसे ये आपका हो गया दर्पण, ये आपका P हो गया, क्या है ये आपका P, और यह आपका क्या होगा वक्रता केंद्र हो गया, और बीच में यहाँ पर क्या आपका फोकस है। तो ये जो आपका फोकस होती है ये यहाँ से वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे आर से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर आपका एफ से लेकर के जो पी का दूरी है इसे हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। तो ये जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी एफ हम लोग लिख सकते हैं कि फोकस एफ इक्वल टू वक्रता त्रिज्या वाई टू, एफ इक्वल टू आर वाई टू। तो इसका आंसर क्या हो जाए कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आप उसी चीज को टर्म में लिखना है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच कौन सा संबंध होगा। तो यहाँ पर जो संबंध दिख रहा है यहाँ पर जो तीसरा नंबर वाला कि r इक्वल टू टू एफ, हम लोग क्या जानते हैं f इक्वल टू आर वाई टू, तो हम लोग लिख सकते हैं r इक्वल टू टू एफ। यहाँ बोला जा रहा है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, यानी जो r का वैल्यू दिया है वो 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसका फोकस दूरी आपसे पूछा गया है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि फोकस दूरी f इक्वल टू क्या होता है आर बाई टू, तो यहाँ पर r आपका 50 दिया हुआ बाई टू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट को भी आप आसानी से कर सकते हैं कि यहाँ रेडियस r दिया हुआ, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आपसे फोकस दूरी पूछा गया है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि इसका फोकस दूरी क्या होगा। नेक्स्ट भी नेक्स्ट है आपका कि फोकस दूरी इसमें दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, तो इसका वक्रता त्रिज्या पूछा गया है, तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू एफ, तो 2f यानी 2 इंटू 18 यानी कि 36 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। पूछा क्या जा रहा है कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। सिंपल है, आर दिया हुआ है इसका 32 सेंटीमीटर, खाली हुआ दर्पण लिख दिया उत्तल दर्पण, उससे घबराने की बात नहीं है। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा आर बाई टू हो जाएगा, तो आर है हम लोग के पास 32 बाई टू, यानी कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। तो आज के सेशन में इतना ही, कल फिर हम लोग देखेंगे मुख्य फोकस, फोकस दूरी, उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट, और फिर लेंस के बारे में, प्रकाश का अपवर्तन, ये सारी चीज़ें आपको टॉपिक बाय टॉपिक कराया जाएगा। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर देंगे। प्लस कोर्सेस एंड नोट्स के लिए आप एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं फिर कल के सेशन में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।